नेहा कक्कर आजकल अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा ही सुर्खियों में बनी हुई हैं, क्योंकि उनका और हिमांश कोहली का ब्रेकअप हो गया है, जिसके चलते नेहा की लाइफ में मानो भूचाल सा आ गया है। आपको बता दें कि नेहा और हिमांश का रिलेशनशिप तकरीबन 4 साल का था और ब्रेकअप के बाद नेहा कक्कर ने रो रो कर दुनिया को अपना दर्द बताया है। दरअसल हिमांश कोहली और नेहा कक्कर का ब्रेकअप दुनिया के सामने आ गया है। पिछले दिनों इंडियन आइडल के सेट पर नेहा एक का गाना सुनकर रोने लगी। वो ब्रेकअप की वजह से काफी दुखी भी नजर आई। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर अपना दर्द बयां किया है और हिमांश के खिलाफ अपना गुस्सा निकाला है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि नेहा ने हिमांश का नाम सुनते ही उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया है। नेहा ने कहा, कौन हिमांश, मैं इस नाम के किसी भी शख्स को नहीं जानती हूँ। इसके बाद नेहा ने कहा कि उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए। ऐसा लग रहा है कि नेहा इन दिनों काफी ज्यादा परेशान है। बता दें कि नेहा और हिमांश ने कभी भी मीडिया के सामने अपने रिश्ते को नहीं कबूला। अब नेहा के इस बयान से साफ है कि उनका और हिमांश का ब्रेकअप हो चुका है। बता दें कि नेहा ने ब्रेकअप के बाद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा था, दुनिया में इतने बुरे लोग भी होते हैं, खैर अब सब कुछ गवा दिया है। हिमांश और नेहा ने एक दूसरे को अनफॉलो भी कर दिया है। नेहा ने पोस्ट में लिखा, हाँ मुझे पता है कि मैं सेलिब्रिटी हूँ, मुझे ये सब नहीं लिखना चाहिए, लेकिन मैं एक इंसान भी हूँ। आज कुछ ज्यादा ही टूट गई हूँ, इसलिए अब अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। मैं शेयर भी नहीं कर सकती कि मुझे क्या मिला। मुझे पता है कि अब सब लोग इस बारे में बात करने लग जाएंगे, लोग मुझे जज करेंगे, पता नहीं लोग क्या बोलेंगे, कुछ तो ऐसा भी कहेंगे जो मैंने किया भी नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, ये सब सुनने की और सहने की मुझे आदत हो गई है। आपको बता दें कि नेहा कक्कर और हिमांश कोहली का रिलेशनशिप तकरीबन 4 साल का था। इनकी मुलाकात एक एल्बम सॉन्ग के मौके पर हुई थी और अब इनका ब्रेकअप हो चुका है। बॉलीवुड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।